हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरेश कुशवाहा आज एक फिर RACVI वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा था और कुछ क्वेश्चन मेरे को सेंड किए व्हाट्सएप पे, तो उनके क्वेश्चन को ही मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है। जो बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड है ना, साइकोमेट्रिक पे ही बेस्ड था। जो क्वेश्चन पूछा है उसने, क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, एयर इज हैविंग DVT यानी वेटर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राइवर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, एंथैल्पी एच से डिनोट करते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइव बोलते हैं, है ना, और ह्यूमिडिटी रेशियो को W बोलते हैं। इतना चीज़ अपने को निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्यों डाटा लिखा है, WPT यानी TW 18 डिग्री सेल्सियस, ड्राइवर टेम्परेचर 25। साइकोमेट्रिक चार्ट पे आएंगे आप लोग। साइकोमेट्रिक चार्ट पे ही पहले देखेंगे हम लोग जो नीचे लाइन रहती है वो क्या रहती है अपने पास, ड्राइवर टेम्परेचर में 25 में आएंगे और एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर किस में आएंगे, वेटर टेम्परेचर, तो ये वाली लाइन जो ऐसा कर्व बनाती है यहीं पे एक इंक्लाइंड लाइन इस तरह से खींचेंगे 18 डिग्री सेल्सियस से, 15 और 20 के बीच में कहीं पर 18 आएगा, तो 18 कंसिडर करके अपने को इस तरह से एक इंक्लाइंड लाइन खींच देना है। ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो मेरा पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे सीधा इस डायरेक्शन की ओर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस डायरेक्शन की ओर, तो ये जो कर्व को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट बनेगा, है ना। तो वही पॉइंट हमारा क्या बनता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वो पॉइंट क्या बन जाता है मेरे पास, वेट बल्ब टेम्परेचर, सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बन जाता है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो यही मेरा क्या बन जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDB कितना 15 डिग्री सेल्सियस मिलाएगा तो कितना है 15, टेम्परेचर TDB कितना 15 डिग्री सेल्सियस मिलाएगा तो कितना है 15 आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से ऐसा एक इंक्लाइंट ऐसा एक कर्व आता है जिसको मैं फाई बोलता हूँ। फाई यानी क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो कितना वाटर बक्स मिल जाएगा अपने वो ग्राफ से, कितना 50%, ये मिल गया 50%। अब ये वाले पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ई डायरेक्शन को बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ह्यूमिडिटी रेशियो मिल जाएगा W, ठीक है। तो ये मिल गया W मेरे को, ह्यूमिडिटी रेशियो 0.93 ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर मिल गया, ठीक है। अब क्या बचा, एंथैल्पी बचा, तो इस पॉइंट से यही लाइन को हम आगे इधर की ओर बढ़ा देंगे तो यहाँ एंथैल्पी रहता है तो एंथैल्पी मिल जाएगा। तो एंथैल्पी मिल गया मेरे को कितना, 50.5 किलो जो पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक। इतना चीज़ अपने को मिल गया। अब अपने को निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फार्मूला होता है μ = W/W, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। ये W की वैल्यू तो मिल चुकी मेरे को 0.9, ठीक है। और WS कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है 0.622 PS/PV-PS। PV की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या मानेंगे उसको, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मान के चलेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कितना जाएगा, 1.013 bar, उसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं हम लोग, इस तरह चेंज हो जाएगा। अब PS के लिए निकालने के लिए मैं स्टीम टेबल का यूज़ करता हूँ, स्टीम टेबल, टेबल नंबर 1 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ से मेरे को PS की वैल्यू मिल जाएगी जिसको किलोमीटर में चेंज कर लिया मैंने। अब PVPS मिल गया तो WS की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा 0.02 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर। अब इसको ग्राम बदल देता हूँ, ग्राम बदलने कितना होगा, 20 ग्राम होगा, ये 20 ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर। इन दोनों की वैल्यू को मैं पुटअप कर देता हूँ, μ = W/WS 0.93/20 × 100, तो कितना जाएगा 4.65%। ये मिल गया मेरे को डिग्री ऑफ सेचुरेशन। थैंक यू।